बोलिए ओम शांति। आपको यह मालूम ही होगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जब भी एक दो से मिलते हैं तो ओम शांति कहकर अभिवादन करते हैं, और इसलिए कई तो यहाँ ओम शांति वाले ही कहकर बुलाते हैं। ये ब्रह्मा कुमारीस कौन हैं? ओम शांति वाले हैं, क्योंकि ओम शांति का अर्थ है, आप सब जानते हैं ओम शांति का अर्थ क्या है? जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, काफ़ी है। ओम शांति का अर्थ है आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब एक दो को ओम शांति कहकर अभिवादन करते हुए या संबोधित करते हुए, तो कहने वाला भी और सुनने वाला भी, वो चाहे किसी भी मूड में होता है, लेकिन उस समय उस घड़ी उसे ये एहसास होता है मैं शांत हूँ। और ऐसा ही आप सब भी अपना ओम शांति कहकर एक दो से मिलेंगे, चाहे आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ भी कहते हैं, राम राम कहते हैं, सब अच्छा है, परंतु ओम शांति कहने से आत्मा को एक शांति का एहसास होता है। और इसी को ही आपको अपने जीवन का नेचुरल नेचर बनाना है। शांति कोई प्रक्रिया नहीं है, शांति कोई टेक्निक नहीं है, शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अपनाएं, रखें, सोचें या उसकी कोई विधि हो। जैसा कि आज आप दुनिया में देखते ही हैं कि लोग शांति के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करते हैं, वो भी आप सभी जानते हैं। परंतु यहाँ जो हम बात आपको कह रहे हैं कि शांति हमारी अपनी एक नेचर बन जाए, तो आप सोचिए अगर आपकी नेचर ही पीसफुल है तो आपको कैसा लगेगा? फिर अशांति का तो स्थान रहेगा ही नहीं। और दूसरी बात, शांति को पाने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसमें आपने मेहनत की तो कहीं ना कहीं आप उसको कंटिन्यूस नहीं रख पाएंगे, हमेशा नहीं रह पाएगी। और शांति तो हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए या थोड़ा समय रहनी चाहिए। जैसे आप यहाँ चार दिन के लिए आए हैं, आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, हमें जो भी कोई मिलता है रास्ते चलते या भोजन पर या इस हॉल पर, तो कहते हैं बहन जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम उन्हें कहते हैं क्या अच्छा लग रहा है? कहते हैं यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ बड़ा अपनापन है, यहाँ बहुत बेहद है, ऐसा उनकी महसूसता होती है। तो आप ये चाहेंगे कि ऐसी शांति आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए? बोलिए हाँ जी या ना जी। ना जी तो आप करेंगे ही नहीं, ये भी मैं जानती हूँ। ये तो एक समझ की बात है कि कौन कहेगा ना जी। हर एक कहेगा हाँ जी, चाहे अंदर से साथ साथ हो सकता है थोड़ा सा कोई थॉट ये भी हो, ये होगा भी या नहीं होगा। तो मैं इसलिए ये सुना रही हूँ कि वो थोड़ा सा भी आप वीक थॉट नहीं रखिए, क्योंकि हमारे वीक थॉट्स ही
नेगेटिव थॉट्स ही हमें पीसफुल नहीं रहने देते। मनुष्य बहुत चिंतन करता रहता है, बहुत चिंतन करता रहता है। यहाँ आपको ये बात शायद कई बार कही गई है, प्रातः क्लास के सेशन में भी हमने बताई थी कि आत्मा की मूल नेचर, ओरिजिनल क्वालिटी ही शांति है, और इसीलिए आप शांति चाहते हैं, नहीं तो आप चाहते नहीं। आप ये कहते कि शांति क्या चीज़ होती है, हर एक कहता है मुझे चाहिए। ये चाहिए कहना ही प्रमाणित करता है कि आपकी आत्मा में वो गुण है। जैसे सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको आम अच्छा लगता है, और आप जवाब देते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को क्या समझना चाहिए कि इस भाई ने या इस बहन ने आम खाया हुआ है। अगर नहीं खाया होता, नहीं टेस्ट किया होता, तो आप क्या कहते? आप कहते अच्छा लगता है, हाँ? कहते? आप कहते पता नहीं कैसा होता है, पता नहीं, या कुछ और उत्तर कहते। अच्छा लगता है इट मीन्स आपको उसका टेस्ट है, भले इस समय वो आपके सामने नहीं है। ठीक ऐसे ही हमें शांति अच्छी लगती है, हम सबको अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि जो बहुत क्रोध करता है उससे भी अगर आप पूछेंगे वो भी कहेगा कि मुझे शांति अच्छी लगती है, परंतु मैं परवश हूँ। और परवश भी वो इसीलिए है क्योंकि अशांति ने उसकी आत्मा को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो उस संस्कार और स्वभाव के अधीन हो चुका है। तो हम बता रहे थे क्योंकि आपको अच्छी लगती है इसलिए आत्मा में वो गुण है, परंतु वो छिपा हुआ है, उसको आप अपने जीवन में नहीं ला पाए। और जीवन में इसीलिए नहीं ला पाए क्योंकि अपनी वो स्मृति ही नहीं है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और यही स्मृति आपको यहाँ दिलाई जा रही है कि जब हम अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसकी कॉन्शियस में रहना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वह आत्मा का गुण अनुभव होने लगता है और जीवन में आने लगता है। परंतु इसका हम अभ्यास और अनुभव किस प्रकार से करें, ये बहुत आवश्यक है। आपने यह सुन तो लिया, आत्मा का लेसन भी सुन लिया, आत्मा की क्वालिटीज भी सुन ली, यहाँ तक कि आपने यहाँ के 4 दिन के वायुमंडल के अंदर वो एक्सपीरियंस भी कर लिया। और सच तो ये है कि जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो उसको बढ़ाना मुश्किल नहीं होता है। जैसे आप दुनिया में देखते हैं कोई चीज़ मनुष्य टेस्ट कर लेता है, खा लेता है और उसे अच्छी लगती है तो वो उसकी बार बार डिमांड करता है। एक शराबी से भी अगर आप पूछो तो आपको शराब की आदत कैसे पड़ गई, कहते मेरे एक दोस्त ने क्लब में एक पैग दे दिया था, बस वही मेरा दुश्मन बना उस दिन जो मैंने हाँ कर दी। बहुतों का अनुभव ऐसा होता है, कहते हैं ना ऐसे। और शांति तो आपके जीवन का अनमोल खजाना है, भगवान का दिया हुआ वरदान है, आत्मा की अंदरूनी चाहत है, और जिसका टेस्ट आप यहाँ कर रहे हैं, और वो टेस्ट आपकी जबान नहीं कर रही, वो टेस्ट आपकी अंतर आत्मा कर रही है। तो जब अंतर आत्मा ने अपने जीवन में
इन घड़ियों के अंदर उसको पाया, उसका टेस्ट किया, चाहे मैं कहती हूँ 1% ही किया, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाना ये मुश्किल काम नहीं। और अब आपको यही ही करना है, और तब ही साइलेंस आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अनमोल वरदान बन जाएगा। और शांति में जो सुख है, शांति में जो खुशी है, शांति में जो आनंद है, उससे आत्मा विभोर हो जाती है, क्योंकि यह शांति आत्मा की अपनी ओरिजिनल नेचर की है। हम उस शांति की बात नहीं कर रहे कि एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए चुप कर जाता है, एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए मौन रख लेता है, एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए उदास और साइलेंट हो जाता है, या एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए परिवार से, कारोबार से डिटैच हो जाता है। आजकल ये रिवाज चल पड़ा है, कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, या मैं बहुत पीसलेसनेस में हूँ, या मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस में हूँ, तो मैं कुछ दिन सबसे डिटैच हो जाऊँ और जाके किसी हिल स्टेशन पर, किसी पहाड़ी पर, किसी दूर देश दराज में जाकर वो बैठ जाएगा और समझेगा यहाँ मैं बस ठीक हूँ, कूल हूँ। इसको शांति नहीं कहते। या कोई बहुत वैरागी होकर के किसी संन्यास आश्रम में जाकर बैठ जाए, या जंगल में जाकर बैठ जाए, या कुटिया में जाके बैठ जाए, या गुफा में जाके बैठ जाए, या कोई भक्ति के संस्कारों के कारण से किसी मंत्र को जपना शुरू कर दे, कोई यज्ञ हवन में 21 दिन बैठ जाए, हाँ, या किसी अन्य किसी धार्मिक स्थान पर, कुछ भी ठीक है, कुछ समय के लिए उसको लगेगा, परंतु जैसे ही फिर वो उस वातावरण में वापिस आता है तो उसकी स्थिति धीरे धीरे फिर से वही हो जाती है। ये आप सब भी अनुभव करते होंगे। कई 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 दिन का मौन रख लेते हैं, हमने ऐसे भी देखा है, कहते हमने 21 दिन का मौन रखा, हमने इतने महीने का मौन रखा, आदि आदि, लेकिन जब फिर विपरीत परिस्थितियां आई, मौन से हटे, तो फिर वही आत्मा की स्थिति, अशांति की, परिस्थितियों के प्रभाव की, आत्माओं के साथ संस्कारों के टकराव की, वो चलनी शुरू हो गई। तो ये शांति नहीं, ये चुप जरूर है, ये एक प्रकार की वायुमंडल की साइलेंस जरूर है। अभी यहाँ भी आप देखेंगे वायुमंडल की साइलेंस तो आपको अनुभव हो रही है, यहाँ कोई शोर नहीं कर रहा, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार का आवाज नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी साइलेंस के इस वायुमंडल में भी आप में से शांति की अनुभूति किसी की ज़्यादा हो रही होगी, किसी की कम हो रही होगी, उस परसेंटेज में हर एक का फर्क होगा। अब ऐसा क्यों, हॉल तो सारा ही शांत है, आवाज़ तो सबके लिए ही नहीं है, शोर तो सबके लिए ही नहीं है, और सभी चुप भी बैठे हैं, कोई भी बोल नहीं रहा, आप सब चुप बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत पीसफुल लग रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो आपकी इनर कॉन्शियस है, वो एक जैसी नहीं। अगर आपसे हम एक्सपीरियंस भी पूछें कि आप आइए, आप आइए, आप आइए बताइए, तो आप हर एक का एक्सपीरियंस भी अलग अलग परसेंटेज की शांति की फीलिंग का होगा। इसका कारण है कि मैं अंतर आत्मा अंदर से कितनी शांत हुई, मैंने अपनी इस क्वालिटी को, अपनी इस नेचर को कहाँ तक महसूस करके उसमें स्थित किया, ये है शांति। और ये शांति कोई चुप की शांति नहीं जो बाह्य रूप से हो कि हम सिर्फ चुप हो गए, परंतु जब हम अपने आत्म स्वरूप में टिककर ऐसे अंदर अपनी इनर क्वालिटी में आ जाते हैं, तो उससे आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़ती है,
और इसीलिए इसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहा जाता है। और इस स्ट्रेंथ से उस शांति में हम एक आनंद की, एक खुशी की, एक रूहानियत की, एक प्रेम की अनुभूति होती है। उससे कोई खालीपन या खोखलापन नहीं रहता। आजकल इसलिए कई लोग शांति के नाम से भी सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं तो हम बोर हो जाएंगे, परंतु ये वह शांति नहीं है, क्योंकि समझते हैं चुप होना ही शांत होना है। ये वह शांति नहीं है, ये और ही हमारे जीवन की, वायुमंडल की ही नहीं, थोड़े टाइम की ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे लाइफ की बोरियत को दूर कर देती है। ऐसा है क्योंकि ये बाह्य रूप से नहीं है, ये आंतरिक रूप से है। और हम इसके अंदर अपनी साइलेंस की इस नेचर को एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं, इसलिए साइलेंस पावर कहा गया है। वैसे तो दुनिया में भी लोग कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन ये गोल्ड मेरी आत्मा की ताकत बन जाए। और जो आत्मा की ताकत बन जाती है वो कोई थोड़े टाइम के लिए नहीं होती है, वो परमानेंट होती है। इसके लिए हमें साथ साथ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्टिविटीज़ में अपने माइंड का और अपने वर्ड्स का और अपनी एक्शंस का कितना बैलेंस रखते हैं। आज के टाइम में देखा गया है कि मनुष्य बाहर से चुप रहना तो जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन अंदर से उसका जो थॉट्स का साइकिल चलता है वो उसे चुप नहीं रहने देता। मुख चाहे बंद होता है परंतु अंदर से चिंतन चलता रहता है। साइंस ने जो रिसर्च की, उन रिसर्च का अगर हम बेस देखें तो वो भी साइलेंस ही है। आप किसी भी साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अक्सर करके यही आता है कि वो जब साइलेंस में थे तो वो रिसर्च कर पाए, क्योंकि उनको फ्ला फ्ला टचिंग हुई और फ्ला फ्ला बात उनके ध्यान पर आई। वो मैं एग्जांपल्स तो नहीं दूंगी, टाइम चला जाएगा, परंतु आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्योंकि जब मनुष्य साइलेंस में है, मीन्स किसी एक विचारधारा में खोया हुआ है, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। और जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है तो वो कुछ नया सोच पाता है, कुछ नया कर पाता है, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जिससे वो कुछ रिसर्च कर सकता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारी अंदर की साइलेंस ही हमें किसी न किसी बात तक पहुंचा पाती है। परंतु आज साइंस ने ही हमें ऐसे साधन दे दिए जो हमारी अंदर की साइलेंस जाती जा रही है। मनुष्य बाहर चुप बैठा है, अकेला अपने कमरे में बैठा है, वो दूसरों से मिलना नहीं चाहता है, लेकिन अकेले बैठकर वो सब कुछ करना चाहता है। और आज आप देख ही रहे हैं कि वो बात इतनी बड़ी होती जा रही है। इंटरनेट आज सबके अंदर जीवन को इतना उसको उलझा दिया है, मानव को, छोटे से बच्चे से लेकर के हर एक एज ग्रुप को, हर एक प्रोफेशन वाले को। ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हमसे भी ज़्यादा ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदर से मनुष्य बिल्कुल भी पीसफुल नहीं। बाहर से लगता है वो अकेला है, वो अपने को अकेला करना चाहता है, अकेला बातें करना चाहता है, अकेला ही कनेक्शन बनाना चाहता है, अकेला ही सबसे रिलेशन रखना चाहता है। बाह्य रूप से तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभाता है, परंतु उसका मन कितना भटक चुका है। और आज जब बात की जाती है कि अपने मन को कहीं टिकाओ, तो मनुष्य टिका नहीं पाता। और जब कहा जाता है परमात्मा में टिकाओ, तो उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। और कई तो फिर ऐसे भी हैं बेचारे, कोशिश भी करते हैं, कहते हैं भगवान में मन नहीं टिकता है, और सब जगह मन टिक जाएगा, लेकिन भगवान में मन नहीं टिकता है, क्योंकि वो तो शांति का सागर है। और जब तक उसमें मन नहीं टिकाएंगे,
तो हम शांति की जो शक्ति है वो अपने जीवन में कैसे ला पाएंगे? जब स्रोत से ही हमारा कनेक्शन नहीं होगा, पावर हाउस से ही हमारा कनेक्शन नहीं होगा, तो हमारे जीवन में वो चीज़ आ कैसे पाएगी? प्यारे भाई बहनों, वर्तमान समय में ये बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने आत्म चिंतन को, मनन चिंतन को अंदर की ओर झांकना होगा। एक वृत्तांत आता है कि एक बार भगवान जी सब कुछ बांट रहे थे, वैसे ही सब कुछ भगवान जी का ही दिया हुआ है, ये हम सब मान के ही चलते हैं। हर समझदार प्राणी या भगवान को मानने वाला प्राणी ये तो कहता ही है कि उसी का दिया हुआ है। तो भगवान जी जब बांट रहे थे और सभी लेने के लिए पहुंचे हुए थे, यहाँ तक कि देवी देवता भी परमात्मा के साथ ही खड़े थे और खूब लंबी लाइन थी, जिसको जो चाहिए ढेर लगा हुआ था और भगवान देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। तो देते देते क्या हुआ कि कोई चीज़ गिरी और कहते हैं प्रभु जी ने उसके ऊपर अपना पाँव रख लिया। तो जब ऐसा हुआ तो जो देवी देवता खड़े थे उसमें लक्ष्मी जी का ध्यान उस पर चला गया। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान सब कुछ बांट रहे हैं, कोई भी चीज़ किसको मना नहीं कर रहे, और वैसे भी आप देख ही रहे हैं जीवन में हमको भगवान ने पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, हाँ, धरती पर आवास, सब कुछ दिया हुआ है। आज मनुष्य की इच्छाएं भले उसे महसूस नहीं करती हैं, उसे कम लगता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ कम नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान को ये पाँव के नीचे छिपाने की क्या ज़रूरत पड़ी, पर उस समय उन्होंने उनको टोका नहीं और सोचा बाद में जब फ्री हो जाएंगे तो मैं इनसे बात करूंगी, भगवान जी से। लक्ष्मी को भी तो अपना नशा अथॉरिटी होती है, तो सोचा मैं ज़रूर पूछूंगी। जब भगवान जी फ्री हो गए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। प्रभु जी ने कहा, बोलो। कहा, आप सबको सब कुछ दे रहे थे, खुले दिल से दे रहे थे, किसी को कुछ भी मना नहीं की, लेकिन मैंने देखा एक चीज़ आपने अपने पाँव के नीचे छिपा ली। तो भगवान जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो सच था। लक्ष्मी जी ने कहा, वो क्या था? तो भगवान जी बोले कि मनुष्य की दो प्रकार की आदत है, का एक तो जो उसे मिलता है उसका उसे एहसान नहीं होता, और दूसरा मैंने छिपाया इसलिए कि जो वो देख लेता है उसे वो पाने की, ज़रूर हासिल करने की मेहनत पुरुषार्थ करता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता, वो देख ले तो कहेगा ज़रूर मुझे मिलना चाहिए, और इसलिए मैंने छिपा लिया। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तो आखिर वो क्या चीज़ है? का वो शांति, उसको मैंने अपने पाँव के नीचे इसलिए रख लिया और इसलिए छिपा लिया कि मानव को कोई भी प्रकार का एहसान मेरे प्रति भी नहीं रहेगा और ना वो मेरे पास कभी आना चाहेगा, लेकिन शांति के कारण से उसको ज़रूर मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको कहीं भी और मिलने वाली नहीं है। चाहे वो कितना भी कुछ ले ले, कितना भी कुछ कर ले, कितने भी हाथ पांव मार ले, शांति के लिए उसे मेरे पास ही आना होगा। तो प्यारे भाई बहनों, ये तो एक छोटा सा वृत्तांत है, लेकिन इसके पीछे कहने का भावार्थ ये है, क्योंकि शांति एक सूक्ष्म शक्ति है, ये कोई बाह्य ताकत नहीं है, ये कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है, इसे किसी बाह्य प्रयास से भी मनुष्य नहीं ले सकता, जो मैं पूर्व में आरंभ में ही आपको बता चुकी हूँ कि आज मनुष्य उसके लिए कितने प्रयास भी करता है परंतु उसका जीवन हमेशा के लिए पीसफुल नहीं बन पाता है, क्योंकि शांति का सागर एक परमात्मा पिता ही है और उसके साथ हमें अपना संबंध जोड़ना ही होगा, और ईश्वरीय संतान होने के नाते से इस संबंध को जोड़ना बहुत आसान है, और इसी संबंध जोड़ने की विधि आपको यहाँ सिखलाई जा रही है
जिसका नाम राजयोग है, जिसका एक लेसन आपने सुबह लिया और दूसरा लेसन परमात्मा का परिचय, परमात्मा कौन है, क्या है और क्या कर्तव्य उनका है और कैसे वो इस सृष्टि पर हम आत्माओं के कल्याण के लिए आते हैं, वो कल आप लेसन लेंगे। और साथ साथ ये भी आप विधि सीखेंगे कि कैसे हमें अपने मन को इस पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो जो शांति का सागर जब हमारा पिता है और मैं उसकी संतान अपनी ओरिजिनल नेचर में शांत स्वरूप हूँ, तो जब हम अपने मन को परमात्मा पर टिकाते हैं तो हमारे लिए शांति में रहना, उसका सिर्फ अनुभव करना ही नहीं लेकिन सदा शांति में रहना बहुत नेचुरल और बहुत इजी हो जाता है। आप सब चाहते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी शांति का अनुभव करें। आपके सामने बातें विपरीत आएंगी, ये नहीं समझना कि हमने भगवान को याद करना शुरू किया, राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया और ये टेक्निक हमने सीख ली है तो हमारे सामने ऐसी बात ही क्यों आई जो हमें अशांत करने वाली है, या भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं की कि अशांति हो ही नहीं। परंतु आप समझ सकते हैं, जब रात का अंधेरा हो तो अंधेरा ही होगा लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो अंधेरे को नहीं भगाता, वो कौन सी विधि अपनाता है, हाँ, एक स्विच ऑन करेगा, लाइट आई, अंधेरा अपने आप चला गया। अंधेरे को भगाने के लिए वो किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं करता, या कोई झाड़ू से उसको नहीं भगाने लगता है, या कोई मंत्र से उसको नहीं भगाने लगता है। प्रकाश की किरण, चाहे वो अपनी बैटरी से लाए, चाहे वो किसी बल्ब से लाए, चाहे वो किसी भी साधन से लाए, और जैसे ही प्रकाश की किरण आती है अंधेरा भाग जाता है। हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि अंधेरा क्यों है, क्योंकि समय ही रात का है। ठीक इसी प्रकार से इस समय कलयुग चल रहा है और इस कलयुग की दुनिया के अंदर तमो प्रधानता है, और तमो प्रधानता का प्रभाव ऐसा है कि सारे ही विश्व में अशांति है, और उस अशांति का भी प्रभाव ऐसा है कि हर मानव उससे प्रभावित है। हर मानव के जीवन में, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हम देखते कहते मैं टेंशन में हूँ, अरे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना फीस कपड़े बच सब कुछ मिल रहा है, माँ बाप अपनी मुंह का ग्रास निकाल के भी बच्चे को पहले खिलाते हैं, अपने कपड़े ना खरीद के भी बच्चों के कपड़े बढ़िया खरीदते हैं, फिर भी वो छोटा सा बच्चा कहता है मैं अशांत हूँ, भले ये शब्द नहीं बोलता है लेकिन मैं टेंशन में हूँ या डिस्टर्ब हूँ, कन्फ्यूज हूँ, पेरेंट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। 5 साल का बच्चा भी आज ऐसे कहने लग गया है, क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा की स्थिति इस समय इस युग के अंदर तमो प्रधानता के प्रभाव में है और उसके कारण से आत्मा कमजोर है, और आत्मा जब कमजोर है तो वो कोई भी बात को टॉलरेट नहीं कर सकती है, और उसके कारण से ना सिर्फ टॉलरेंस पावर बल्कि आप टोटल ही देखेंगे हर एक्टिविटी के अंदर डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, कोई जजमेंट नहीं, और कोई कोई बात में तो इतने हताश हो जाते हैं, इसलिए आजकल डिप्रेशन भी एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, जो पहले कभी वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी आज पूरे विश्व के अंदर फैल चुकी है और कोई भी उसका शिकार हो जाता है, भले डॉक्टर्स जब तक ना भी डिक्लेयर करें लेकिन हमारे जीवन में उदासी आना, मायूसी आना, खुशी ना रहना, मन ना लगना, आज ये कितना कॉमन हो चुका है कि बात बात में मनुष्य कहता है मेरा मन नहीं लगता, बात बात में मनुष्य कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, बात बात में अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की बात करता है। ये क्यों? इसका कारण है कि हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं रही, और इसीलिए आज मनुष्य साइलेंस में नहीं है, और इतना वो बाह्य मुखी हो चुका है कि
कि उसका सारा ध्यान बाहर की तरफ है। उसके लिए हमें पिता परमात्मा ने जो सबसे सहज बात समझाई है कि हे आत्माओं, ये कर्मेंद्रियां आपको कर्म करने के लिए मिली हैं, और बातों के लिए नहीं। आंखें देखने के लिए मिली हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं। देखना हमारा कर्म है और हमारे कर्म की ये एक जीवन में कर्तव्य है कि मैं देखूंगी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। लेकिन अगर मैं वो एक्स्ट्रा देखती हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को बोझिल करेगा, प्रेस करेगा। कान सुनने के लिए है, लेकिन क्या सुनने के लिए है? जो मुझे ज़रूरत है। जो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वो सुनती हूँ तो वो मेरी आत्मा को कहीं ना कहीं प्रेस करता है। मुख बोलने के लिए है, लेकिन मैं बोलूं पर मुझे जितना बोलना है मैं उतना बोलूं। इसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट, कि हम और बातों को बाह्य रूप से देखते हैं, भी जल इतना इस्तेमाल करना है, बिजली इतनी इस्तेमाल करनी है। आज मनुष्य उस पर भी ध्यान नहीं देता, वो भी संयम और नियम नहीं रह गए। उसकी भी वजह यही है कि उसने अपने इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं रखा है। जब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, आंखें सारा समय देखती रहती हैं, मुझे देखना है इस बात को और मैं देख रही हूँ उस बात को, मुझे देखना एक काम को और मैं देख रही हूँ सारा कुछ, अपनी कारोबार में, परिवारों में आप अनुभव करते ही होंगे कि सारे दिन में अगर आप खुद व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अपनी ही चेकिंग करें तो आपको पता चलेगा कि आपने आज सारे दिन में कितना कुछ एक्स्ट्रा देखा है, कितना कुछ एक्स्ट्रा सुना है, कितना कुछ एक्स्ट्रा बोला है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप सोचिए हम शांत कैसे रह सकते हैं। भले आप मुख से चुप हैं, भले आपने मुख से ना भी इतना बोला हो, लेकिन जो आपने देखा वो आत्मा ने अंदर ग्रहण कर लिया और उसका चिंतन चलता है, चिंतन चलता है। छोटी सी बात है, अगर आपने ये भी देखा किसी ने क्या पहना हुआ है, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है, फिर मैंने क्या पहना है, एक सिंपल सी बात है ये, तो आपका चिंतन चलेगा या नहीं? और कितने थॉट्स चलेंगे? हो सकता है उसमें हजारों थॉट्स चल जाएं, हो सकता है आपका वो चिंतन कई घंटे चल जाए, कईयों का तो कई दिन भी चल जाता है। कई तो यहाँ तक सुनाते हैं मेरी रात को नींद तक फिट गई। आप सोचिए तो वो साइलेंस का अनुभव कैसे करेंगे? भले बाहर से वो कितना भी अकेला कमरे में बैठा रहे व्यक्ति, कितना ही वो दूसरों के साथ बड़े सलीके से व्यवहार करे, कितना ही वो समझे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कहाँ निरंतर उसका मन, दिमाग, बुद्धि चल रही है, वो शांत हुई ही नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक योगी जीवन का साइन है, धारणा है। और हम भगवान से जब प्रभु मिलन का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए वास्तव में यही ही एक पुरुषार्थ है, जो कि कठिन नहीं है बल्कि आपको कठिनाइयों से बचाता है। और वो जो चिंतन हम चलाते हैं, उस चिंतन में कितनी परसेंटेज ऐसी होती है जो पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव होती है। पर आज मानव इस बात पर कभी भी विचार नहीं करता कि मैं इतना कुछ नेगेटिव ले चुका हूँ। अगर आप भोजन में भी बहुत कुछ ऐसा ले लेते हैं जो शरीर को नहीं चाहिए, शरीर के काबिल नहीं है, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपने अपनी हेल्थ खुद खराब की है। तो ऐसे ही मैंने अपनी आत्मा को सारा दिन
ये कौन सा भोजन दिया, कैसे थॉट्स दिए, किस प्रकार के विचार चलाए जो बिल्कुल एक्स्ट्रा थे, जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, और वो मैंने सब कुछ सुना और वही मेरा चिंतन चलता रहा, तो आत्मा बोझिल हो जाती है, एक बोझ में दबी रहती है। जैसे कोई आपको, अगर आप में 2 किलो बोझ उठाने की स्ट्रेंथ है और आपको कोई 20 किलो बोझ पकड़ा दे तो आप चल भी नहीं पाएंगे, और आप चलेंगे तो स्लो चलेंगे और हाँफना शुरू कर देंगे, और उसके बाद क्या रिजल्ट होगी ये आप खुद ही सोच लीजिए। ऐसे ही हम अपने मन के बोझ को बढ़ाते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत मैं आपको काम की बात सुना रही हूँ कि अपने मन पर बोझ ना बढ़ाओ। एक तरफ हम मन पर बोझ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम मन को खुश रखना चाहते हैं, मन को पीसफुल रखना चाहते हैं कि मेरा मन सदा हल्का रहे। और आज यही कारण है कि मनुष्य की ये धारणा बन चुकी है कि मन बड़ा पापी है, मन बड़ा लोभी है, मन बड़ा चंचल है। आप सब भी आज दिन तक यही समझते होंगे, परंतु यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो सत्य ज्ञान के रहस्य क्लियर किए, तो ब्रह्मा बाबा ने इस धारणा को एकदम चेंज कर दिया और सत्यता बतलाई कि प्यारे बच्चों, आपका मन ना तो लोभी है, ना तो चंचल है, ना तो पापी है, ना तो बिगड़ा हुआ है। मन ऐसा नहीं है, मन माना ही सोचना बस, लेकिन आत्मा ही सोचने का काम कर रही है, परंतु इन इंद्रियों से आपने जो कुछ ग्रहण किया उसका बोझ आपके मन पर है, और इसलिए ये धारणा बन गई कि मन तो लोभी है और पापी है। मैंने स्वयं ही उसको ग्रहण करके व्यर्थ की बातों को, नेगेटिव बातों को, ना सुनने ना देखने वाली बातों को सारे दिन में ले करके, चाहे उस समय की मनुष्य को लगता है ये मोमेंट्री एक प्लेयर है मेरे लिए, एक मोमेंट्री मेरे लिए हैप्पीनेस है, अल्टीमेटली वो आत्मा को धीरे 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 कमज़ोर बना देता है। तो यहाँ पर आप सब सबसे पहले तो यही ज़रूरी कीजिए कि अब मेरे को अपने मन का बोझ बढ़ाना नहीं है और मन का दमन नहीं करना। फिर कई ऐसा भी सोच लेते हैं कि बहन जी, ये तो मन का कंट्रोल करना, मन का दमन करना है। मन का दमन करना नहीं है, मन को रोकना नहीं है, मन को कोई हम पकड़ के रोक नहीं सकते हैं, कोई बांध नहीं सकते हैं, ऐसा करने की बात नहीं है, ऐसा आप नहीं सोचिए। मन का काम तो चलना ही है, वो चलेगा और उसे आपको चलाना ही है। इसीलिए मन को घोड़ा भी कहा गया है, क्योंकि घोड़े का काम चलना होता है, लेकिन क्या घोड़े को बांध के रखा जाता है? नहीं, घोड़ा मीन्स तो उसको चलाएंगे ना, परंतु जो घोड़े के ऊपर सवार व्यक्ति है उसकी ये समझ है कि मुझे घोड़े को चलाना भी है, बांध के नहीं रखना, लेकिन वहाँ चलाना है जहाँ मैं चाहता हूँ। ये लगाम ज़रूरी है। अर्थात कहने का भाव ये है कि मन चलेगा, मन का काम ही चलना है। जैसे आप देखते, जल का स्वभाव ही लचीलापन है। आप जल जहाँ डालेंगे वो लुढ़केगा, जहाँ डालेंगे वो वैसी शेप ले लेगा। ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसा हो जाएगा, सुराही में डालेंगे सुराही जैसा हो जाएगा, ऐसे डालेंगे ओपन तो बहता चला जाएगा। पर आप क्या करते हैं, मन उस पानी को भी एक राह देते हैं, एक टैप में करते हैं कि ये किचन में चाहिए तो टैप किचन में आ जाए, बाथरूम में चाहिए तो टैप बाथरूम में आ जाए, और अगर खेत में देना है तो वो खेत की तरफ चला जाए, उसको राह देते हैं। इसी प्रकार से ही मन मीन्स थिंकिंग पावर।
आत्मा की सोचने की शक्ति, और आत्मा सोचने का काम करती ही रहती है। वह निरंतर मन चलता ही रहेगा, परंतु मैं आत्मा उसकी मालिक हूँ। मन मेरी थिंकिंग पावर है, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा सोचूं, जहाँ चाहूँ वहाँ मन को ले जाऊँ। ये है मन को अमन करना, ना कि मन का दमन करना। तो हमें मन को रोकना नहीं, मन को मारना नहीं, मन को बांधना नहीं, लेकिन मन को अमन करना है, उसे अपने अनुसार चलाना है। जिस प्रकार से आपको थोड़े में ही जब राजयोगा की एक्सपीरियंस कराया गया तो ये बताया गया कि आप अपने मन को ले चलिए अपने परम पिता परमात्मा के पास, क्योंकि मन का काम तो चलना है ही। आप चाहें, और हो सकता है अभी भी आप में से किस किस का मन कहाँ कहाँ जा रहा हो, यहाँ बैठे भी आपका मन अपने घर में जा सकता है, अपने ऑफिस में जा सकता है, अमेरिका में भी जा सकता है, किसी थिएटर क्लब में भी जा सकता है कि इस समय फलां क्लब के अंदर ये हो रहा होगा और मैं इस दिन गया तो और अब मुझे जाना है। एक सेकंड भी नहीं लगा। ऐसे ही आप अपने मन को वहां से वापस भी ला सकते हैं कि इस समय उसकी जरूरत नहीं है, वहां सोचने और मन के जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने मन को परमपिता परमात्मा के पास ले जाएं, और ये अभ्यास ही हमें हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, और उससे हमारे जीवन में साइलेंस पावर आती चली जाती है, आती चली जाती है, और अंतर आत्मा अपने अंदर उन ईश्वरीय खजानों को सहज ग्रहण कर लेती है। तो ये कठिन नहीं है। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते हैं, और ऐसा अभ्यास आप अपने सारे दिनचर्या में कहीं पर भी किसी भी समय और कितनी भी देर कर सकते हैं। और जीवन में कोई भी अभ्यास आप कहीं पर भी किसी भी समय और कैसे भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर्म। लेकिन ये एक ही अभ्यास ऐसा है परमपिता परमात्मा की याद का, राजयोग का, जो आप सारे दिन में कितनी बार कहाँ भी कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सूक्ष्म अंतर आत्मा अपने संकल्पों से उस पिता परमात्मा को याद करती है, जिससे हमारे जीवन में शांति की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और जब हम इंटरनली पीसफुल होते हैं तो अपने आप ही उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है, हमारा बोल वैसा होगा। जैसे आप देखिए, कभी कभी आपका मन अच्छा है, आप खुश हैं, और उस समय आपके सामने कोई व्यक्ति बिगड़ता हुआ आता है या क्रोध करता है, तो आप बड़े आराम से कहते हैं, भाई क्या बात है, बताओ जरा, बैठो तो सही, पानी तो पियो, क्योंकि आप खुद अंदर से पीसफुल हैं। और अगर आप खुद अंदर से पीसफुल नहीं हैं, इरिटेट हैं, डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं, अशांत हैं, और कोई व्यक्ति बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्रेम से आपके सामने आया, भाई साहब, तो आप एकदम इरिट, क्या बात है भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, खुद ही ऐसे एक्शन करना शुरू कर देते हैं। उसने तो आपको कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आपकी अंदर की डिस्टर्बेंस, पीसलेसनेस का प्रभाव देखिए आपकी ही एक्टिविटी के ऊपर, आपके ही चेहरे पर, आपके ही वाणी में, आपके ही एक्शन में क्या दर्शा रहा है। और उन्हीं ही कर्मों का बोझ आत्मा को और डिप्रेस कर देता है, क्योंकि आत्मा जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी बोलती है, जो कुछ भी देखती है, जो कुछ भी सुनती है, उसका प्रभाव पड़ता रहता है। ये एक अलग कर्म फिलॉसफी है, उस चैप्टर को अभी हम नहीं खोल रहे, लेकिन ये तो आप अनुभव करते ही हैं
कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, हमारी जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं। तो शांति की शक्ति हमारे कर्मों को श्रेष्ठता में ले जाती है, हमारी वाणी हमारी एक्टिविटी भी वैसी ही पीसफुल होती है। और भगवान ने तो हमें बहुत सहज ये स्लोगन दिया है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और स्वमान में टिक कर बोलो। तो जो स्वमान में टिक कर बोलो, इसका भावार्थ ही यही है कि सो मीन्स मैं आत्मा और मान मीन्स मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, कैसी हूँ, पीसफुल हूँ, ये मेरा स्वमान है। जैसे आप सबका स्वमान है, आप जज हैं, ये स्वमान है आपका। तो वो कॉन्शियस अपने आप ही उस रुतबे का एहसास लाती है, वैसी ही एक्टिविटी चलती है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं लीगल ऑफिसर हूँ, यह आपका स्वमान है, परंतु ये वर्डली है। लेकिन जो मेरा इंटरनल रियल परमानेंट जन्म जन्म का भगवान का दिया हुआ स्वमान है, वो है आई एम ए पीसफुल सोल। तो मुझे पहले इस स्वमान में टिकना है और फिर साथ साथ अपने उस प्रोफेशन के, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वमान में भी रहना है। तो दोनों का बैलेंस रखने से आप खुद अनुभव करेंगे कि वहा जिंदगी वहा, लाइफ हो तो ऐसी। और ऐसा अनुभव हमारे बहुत सारे राजयोगी भाई बहनों के पास है जो अपने प्रोफेशन में भी हैं। हमारे भाई ईश्वर्या भाई जी बैठे हैं, हाँ, इन्होंने अपना अनुभव सुनाया भी आज, भाई सब को भी बहुत कुछ मालूम है। तो दोनों लाइफ का बैलेंस होने से हमारी लाइफ बहुत इजी, बहुत स्मूथ और स्ट्रेस फ्री और साथ साथ प्रॉब्लम फ्री भी हो जाती है। नहीं तो आज छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण ही मनुष्य पीसलेसनेस हो जाता है एकदम। तब आपको कोई प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। भगवान ने ये कहा है, बच्चे समस्या समस्या नहीं, आप समाधान स्वरूप बन जाइए। तो जब हमारे अंदर शांति की शक्ति होती है तो हम समाधान स्वरूप होते हैं, हल निकल जाता है कि ये बात आई है, ये परीक्षा आई है, ये घटना घटी है, इसका हल क्या है। और क्योंकि कनेक्शन मन का परमात्मा के साथ होता है तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ आती हैं और उन शक्तियों के आधार से, जैसे साइलेंस पावर से ही एकाग्रता की शक्ति आती है और उसके आधार से ही हमारी जजमेंट पावर, हमारी परखने की शक्ति, अन्य कई शक्तियाँ भी साथ के साथ काम करती हैं, तो वो प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर नहीं आता, जिससे हमारी पर्सनल लाइफ भी पीसफुल रहती है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी पीसफुल रहती है और हम पर्सनैलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बाखूबी निभाते हैं। तो पर्सनैलिटी भी फिर वैसी ही बन जाती है जो हर एक को लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे हैं अपने जीवन के अंदर। और आप खुद भी उसका अनुभव करेंगे कि जब समस्याओं का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता है तो समस्याओं का हल भी आसानी से निकल जाता है। ये भी अपने आप एक भगवान का वरदान हो जाता है, क्योंकि मन आपका उससे प्रभावित नहीं हुआ तब आप मन की जजमेंट पावर भी, बुद्धि की जजमेंट पावर भी अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे हमको अपने जीवन में शांति से खुशी, आनंद, प्रेम, ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव करना और जीवन को खुशनुमा सदा के लिए बनाना बहुत आसान है। तो इतना ही मैं कहूँगी। आप सब यहाँ जो कुछ भी, थोड़ा भी जो भी अनुभव कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ही कर रहे होंगे, पर आप ये सोचिए कि उस अनुभव को आपको अपने जीवन में परमानेंट बनाना है। कोई भी अच्छी चीज़
हम थोड़े समय के लिए नहीं रखना चाहते। कोई भी अच्छी चीज़ आपको मिले, आप चाहेंगे वो हमेशा हमारे जीवन में रहे। और ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से जो आत्मा को ईश्वरीय खजाने मिलते हैं, ये अविनाशी खजाने हैं जो कभी कम नहीं होते बल्कि बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये भी आप अनुभव करेंगे तो उसे जीवन में हमेशा ही कायम रखना है और उस अनुभव को बढ़ाते जाना है। ये ज़रूर है कि उसके लिए आपको ईश्वरीय ज्ञान का स्मरण करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आत्मा की एक खुराक है। और जब आत्मा उस ईश्वरीय ज्ञान की खुराक को अपने जीवन में हासिल करती है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसे फिर उसी ही विधि से चलना आसान लगता है, कठिन नहीं लगता है। तो अपनी दिनचर्या में आप इन बातों का थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि हम इंट्रोवर्ट बने, ध्यान अंदर की ओर जाए। जो कार्य किया, कर्म किया, इंद्रियों से कार्य लिया, फिर स्टॉप, फिर ध्यान अंदर की ओर हो, एक्स्ट्रोवर्ट नहीं। तो उससे आपका अपना आंतरिक स्वभाव ओरिजिनलिटी में आता जाएगा और नेचुरल नेचर बन जाएगी शांत रहने की। और यही जीवन एक शांतिमय बन जाएगा। सिर्फ शांति थोड़े समय की नहीं, लाइफ ही पीसफुल हो जाए, लाइफ ही हमारी लवफुल एकदम आनंदमय बन जाए और प्रभु प्रेम से हमारा जीवन खुशनुमा औरों के लिए भी बन जाए। फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही आपका जीवन कहेगा और औरों को भी आपके जीवन से मिलता ही रहेगा, प्रेरणा भी मिलती रहेगी और साथ साथ आपकी वाइब्रेशन भी वायुमंडल पर वैसा ही प्रभाव डालेगी। ऐसे हमारे पास आने वाले अनेक भाई बहन हैं, कहते हैं हम ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो उनके कर्मचारी कहते हैं कि वायुमंडल इतना अच्छा हो जाता है, सब शोर कर रहे होते हैं, सब शांत हो जाते हैं। डर के कारण नहीं, लेकिन एक भाव होता है कि हमें शांत रहना है। ऐसा हमारा जीवन एग्जाम्पल सबके सामने बन जाता है। इतना ही हम कहेंगे। फिर भी आपके मन में हाँ कुछ एक बातें जानने की होंगी, लेकिन इन दो तीन दिनों में और भी बहुत कुछ आप सुनेंगे तो वो जिज्ञासाएं आपकी हल होती जाएंगी। पर फिर भी अगर कुछ होगा तो लास्ट में आपका एक सेशन क्वेश्चन आंसर का रखा गया है, उसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओम शांति।